हम लोगों ने पिछले बार भी बैठक की थी, आज पूरे भारतवर्ष में कौशल का कार्यक्रम सरकार के द्वारा कराया जा रहा था, इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लेकिन आज हम पटना से कुछ ऐसे लोगों को लेके आए हैं जो इन सब चीज़ों को देखने के बाद और भावना जी से बात करने के बाद, दीक्षिका जी से बात करने के बाद, और उनकी जो टीम है, हम चाहेंगे कि हर स्तर पर, जो हस्तकरघा का हो, जो रूरल आर्ट का हो, हम आने वाले दिनों में बहुत सारी योजनाएं जिसमें महिलाओं का आमदनी बढ़ सके और आपके हाथ का बनाया हुआ चीज़ देश और विदेश स्तर पर जा सके, उसकी तैयारी अमनौर में कराने की बड़ी शुरुआत की जाने वाली है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और हम सबको इस कार्यक्रम को गरीबों के बीच में लेके जाना और उसका विस्तार करना है। आगे का रूपरेखा क्या होगा, आप सब यहाँ अच्छा काम करें और इसका मार्केटिंग सेंटर, शॉपिंग सेंटर पटना में बनाना है, MSDC की तरफ से बनाना है, ताकि इस प्रोडक्ट्स को हम लोग डिस्प्ले करा सकें जिला के स्तर पर। उसका भी काम हम लोग को पूरा करना है। आज इस कौशल मेला में भावना जी और उनकी टीम को, अरुण जी और सब लोग को, मंटू जी, विधायक जी, रमेश जी, अशोक जी और तमाम उनकी टीम को, IFS के अपने मिसाइलेश जी, अपने मित्रों का, सतेंद्र जी और तमाम पत्रकारों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज छोटे से कार्यक्रम में आप सब आए और इसको सफल बनाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।